आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी साउथ इंडियन तरीके से कोकोनट चटनी की रेसिपी। बिल्कुल जो साउथ इंडियन होटल्स में बनती है ना, उसी तरह से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से, बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स जो हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं, उसी इंग्रेडिएंट्स से मैं आज ये रेसिपी बताने वाली हूँ। इस चटनी में बिल्कुल साउथ इंडियन के होटल का टेस्ट आएगा, तो आप मेरा वीडियो देखकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो में खो जाए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं बिल्कुल साउथ वाली कोकोनट चटनी की रेसिपी। चटनी बनाने के लिए मैंने एक पाव नारियल लिया है, फ्रेश नारियल काट कर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं हमें। इसी के साथ डाल देती हूँ एक छोटा बाउल फुटाने की दाल, रोस्टेड चना दाल लगभग 3 चम्मच लिए मैंने, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच नमक, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर लिया मैंने और 2 लहसुन की कली, सिर्फ 2 ही डालनी है हमें, ज़्यादा नहीं। अगर आपको पसंद है लहसुन का फ्लेवर तो ऐड कर सकते हो, वरना पूरा ही स्किप कर सकते हैं। अब डालूंगी थोड़ा सा पानी, आधी ग्लास जितना। अब इसे पीस लेती हूँ, मैं बहुत ही अनोखे तरीके से बना रही हूँ, हल्का से पीसूंगी, फिर बाद में और कुछ इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। इस तरह से मैंने पीस लिया है हल्का से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया, ये मैंने इसकी डंडी रखी है थोड़ी, इस डंडी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, इसलिए हमें इस तरह से डंडी के साथ ही हरे धनिया को लेना है। थोड़ी सी लेंगे पुदीने की पत्ती, 2-3 चम्मच जितनी। हरा धनिया और पुदीने की पत्ती हमें अच्छी तरह से धोकर लेना है। थोड़े से डालूंगी करी पत्ता 10-12 पत्ते, फिर से थोड़ा पानी ऐड करूंगी आधी छोटी ग्लास, फिर से एक बार मैं अच्छी तरह से पीस लेती हूँ इन सबको। इस तरह से मैंने चटनी पीस ली है, टेक्सचर आप ठीक या पतला आपके इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अब इस पर मैं लगाऊंगी तड़का, चटनी को मैं बाउल में ले लेती हूँ। तड़के के लिए मैं एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ, ऑयल गर्म हो चुका है, आधी चम्मच डाल दूंगी राई, थोड़ी सी हींग 1 चुटकी, कड़ी पत्ते डाल देती हूँ 10-12 पत्ते, 1 सूखी लाल मिर्च तोड़ कर लिए, 1-2 सेकेंड फ्राई होने देते हैं मिर्ची को। मिर्ची करके सारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, तड़का बनकर रेडी हो गया है, मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। अब ये तड़का हम चटनी पर डाल देते हैं। नारियल की चटनी बनकर रेडी हो गई है, आप इसे इडली है, डोसा है, वड़े के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी और एक बार मेरा वीडियो देखकर जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक बार ऐसी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।